फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी कॉर्न की रेसिपी बता रही हूँ। देखिए इसमें मैं जो मसाले यूज करूँगी वो ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से गरम मसाले यूज करूँगी। मैंने लिया थोड़ा सा जायफल, काजू 8 से 10 काजू, 8 से 10 मैंने बादाम ले रखा है, और 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच खसखस, थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है, 1 इंच करी अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है, उसको अलग से मैं ग्राइंड करूंगी। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने दालचीनी रखा है, और 1 बड़ी इलायची जिसे हमने तोड़ लिया है, 2 से 3 हमने लाल मिर्च ली है जिसके बीज हमने निकाल लिए हैं, और हमने 3 चम्मच दही ली है। ग्राइंडिंग जार में हम ये मसाले डालकर पीस लेंगे। पहले हम ड्राई पीसेंगे, उसके बाद 2 चम्मच पानी मिलाकर पीसेंगे। इसके बाद हम ये दही जो रखे हैं इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। बहुत तीखा है इसलिए हम कम डाल रहे हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मसाला, इसमें गरम मसाला भी मिक्स है और धनिया भी। इन्हें हम आपस में मिक्स कर ले रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी मिर्च। इन मसालों को मिलाकर मैं रख दे रही हूँ, बाकी मसाले हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें क्रीम भी डाल रही हूँ, 2 चम्मच करीब क्रीम मसाले में अभी, और इसे भी हम ऐसे करके मिक्स करके थोड़ा रख दे रहे हैं। ये डाइल्यूट हो गया है, और अब हम सारे अपने मसाले पीस लेंगे। बड़े चम्मच हमने ऑयल डाला है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न पहले हम तल लेंगे जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, इसे रेगुलर हमें सर्व करते रहना है। एकदम फ्रेश है ये हमारे बगीचे का स्वीट कॉर्न है। 2 से 3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर थोड़ा सा पका लेंगे। मैंने बेबी कॉर्न पूरी तरह से निकाल लिया। हम धीमे धीमे इसमें मसाले डालेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, और इसे हम सर्व कर देंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसमें मैंने पनीर भी साथ पीसा है तो ये चिपकने लगेगा। ये रेसिपी जो है शाही रेसिपी बन रही है बेबी कॉर्न की। बाद में बचे हुए सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अभी इसे थोड़ी देर मैं भून ले रही हूँ। अब मैं इसमें देखें दही वाले मसाले भी डाल दूंगी, और इसे रेगुलर स्टर करूंगी। नीचे की तरफ थोड़ा जम गया है, इसे मैं बाहर निकाल लूंगी। और काफ़ी क्रीमी हमारा मसाला है, ये थोड़ा सा मीठा लगेगा, इसमें बहुत तीखापन नहीं होना चाहिए। और जो बेबी कॉर्न है ये भी काफ़ी स्वीट होगा। इस तरह हम रेगुलर स्टर करते रहेंगे इस मसाले को, जब तक कि इसमें ऑयल ऊपर ना जाए। मसाला देखिए अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च 1/2 टेबल स्पून,
उसके बाद इसे रेगुलर स्टर करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आपको स्वादानुसार डालना है, मैं सेंधा नमक डालूंगी इसलिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा होगा। काफ़ी तेज़ी से बॉयल हो रहा है और इसमें हम नमक डाल देंगे। आप अपने रेगुलर नमक डालें तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जैसा खाते हैं वैसा डाल लीजिएगा। देखिए हम इसे रेगुलर स्टर करेंगे, आप तो जो इसमें आपने दही और मलाई वगैरह डाला है वो फटेगा नहीं और ग्रेवी अलग नहीं होगी, आपको देख रही होगी स्मूथ सी ग्रेवी। मसाला भून चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। इसी ग्रेवी में अब मैं डाल लूँगी अपना बेबी कॉर्न। इसमें जो मैंने बेबी कॉर्न तल कर रखा था उसे हम डाल देंगे, देखिए, और डालकर इसे हम ढक देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, मसाले जो मैंने कटोरी में डाला था और जार में उसके थोड़े से पानी मैंने रख रखा है उसे मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी जो था हाफ कटोरी मैंने इसमें डाल दिया और अब अच्छी तरह से इसके साइड्स को क्लियर कर लेंगे क्योंकि यहाँ वहाँ चिपक चुका था ये। इसे हम इस तरफ हिलाते हुए सारे साइड क्लियर करके ढक देंगे और थोड़ी देर इसे पकने देंगे, 4 से 5 मिनट, क्योंकि पहले ही हमने स्वीट कॉर्न को पका लिया था इसलिए इसे पकने में मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट लगेंगे। एकदम टेस्टी बेबी कॉर्न रेसिपी तैयार है, देखिए बहुत ही ग्रेवी एकदम स्मूथ और टेस्टी बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसे सर्व कर लेंगे। बेबी कॉर्न का ये सीजन है, आप इस समय ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ और भटूरे या पूरी के साथ आप इसे खा सकते हैं। इसमें मैंने गार्लिक और ओनियन का यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा।